अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। व्हाट इज द बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट टू गेट एडसेंस अप्रूवल। सारे लोग, बहुत सारे ब्लॉगर्स इस क्वेश्चन को सर्च कर रहे थे गूगल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में ब्लॉगर का एक ऐसा टेम्पलेट आपके लिए लेकर आया हूं जो कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड है और फास्ट लोडिंग टेम्पलेट है, और इसके ऊपर बहुत मरतबा मैंने खुद भी एडसेंस के अप्रूवल ले लिए हैं और आप भी बहुत जल्द ले सकते हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है, जब आप ब्लॉगिंग में काम करते हैं तो ब्लॉगिंग में आपके टेम्पलेट के ऊपर मुकम्मल तौर पर ब्लॉग्स ही ब्लॉग्स नजर आ जाने चाहिए, बेशक वो डिफरेंट कैटेगरीज के हों, डिफरेंट लेबल्स के हों या व्हाटसोएवर। आज का ये जो टेम्पलेट आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, इट इज़ वन ऑफ दोज यू नो फ्यू टेम्पलेट्स कि जिन का इस्तेमाल करके आप लोग अपने एडसेंस के अप्रूवल को जल्दी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्टॉलेशन कैसे करने ये बताऊंगा, और वो टेम्पलेट कौन सा है वो भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और आज की इसी वीडियो में उसकी मुकम्मल कस्टमाइजेशन कैसे होगी उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही इसकी कस्टमाइजेशन पूरी होगी, नेक्स्ट वीडियो में चंद आर्टिकल्स मैं पब्लिश करके फिर आपको उसका एक ओवरव्यू दिखाऊंगा। उसके बाद हमने लो कंपटीशन और फ्यू ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स उठाएंगे, बेशक वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो, उनका इस्तेमाल करके कुछ ब्लॉग्स पब्लिश करेंगे। और कुछ दिनों में जैसे ही हमारे 5 से 10 आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग इसी ब्लॉग को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें .blogspot.com की जो डोमेन है उससे हट के हम लोग एक एक्सटर्नल डोमेन जो कि TLD होगी उसको हम अटैच करेंगे, ताकि गूगल एडसेंस को लगे कि वाकई में एक ऐसा ब्लॉग है कि जो कि TLD डोमेन के ऊपर फॉल कर रहा है, और इसको हम अप्रूवल अगर देना चाहें तो बाकी जो दूसरे क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करने के बाद हमें अप्रूवल मिल सकता है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं मौजूद हूँ। ये बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पलेट है ब्लॉगर का, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हर चीज़ क्लियरली, और अगर इसका व्यू आप लोग देखें तो व्यू भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अभी तक टेम्पलेट है उसके नाम को रिवील नहीं करूँगा, बाद में डेफिनेटली करूंगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ब्लॉग बनाना है ब्लॉगर के ऊपर। ठीक है, ब्लॉगर में ब्लॉग बनाने के लिए आपने जीमेल से जाना है। जीमेल पर जाने के बाद आप बेशक इन डॉट्स के ऊपर जाकर आप नीचे आएँ और ब्लॉगर को क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ से आपने न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि ये आपका न्यू ब्लॉग है। ठीक है, न्यू ब्लॉग के ऊपर आप कुछ भी लिख दें, यहाँ पर अपनी निश आप लोग डिसाइड करें, उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ पर अपनी उस डोमेन का नाम लिख दें, और उसके बाद इसके डोमेन का नाम होगा .blogspot.com। ठीक है, आपके नाम के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, जैसे ही होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि जिस टेम्पलेट को मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने अपनी इसी वीडियो में इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन चूंकि कुछ पार्ट में मेरी इस वीडियो में वॉइस का इशू हो गया था, जिसकी वजह से उस वॉइस को दोबारा से रिकवर करने के लिए ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने चलना है थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, उस लिंक को आपने ओपन करना है, तो ये एक ब्लॉग है, उसी ब्लॉग के अंदर आपको मैंने इस थीम का लिंक दिया है। इस ब्लॉगर टेम्पलेट का जो लिंक है वो आपको मैंने दे दिया है, प्रीमियम टेम्पलेट है। आप इसको वन क्लिक के ऊपर डाउनलोड करके आप अपने जो ब्लॉगर वेबसाइट है या ब्लॉग है उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कस्टमाइज के साथ डाउनवर्ड एरो है इसको क्लिक करके रिस्टोर पर जाना है, और उसके बाद अपलोड पर जाना है। अब जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जो टेम्पलेट है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसे गैलेक्सी टेम्पलेट के नाम से एक फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी। ठीक है, अब टेम्पलेट कौन सा है, नाम आपको पता चल चुका है, गैलेक्सी टेम्पलेट। ठीक है, आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके इसी थीम के अंदर ऑटोमेटिकली जो अभी जो गैलेक्सी टेम्पलेट है ये रिस्टोर हो जाएगा, और जब रिस्टोर होगा तो आपने इसको एक मतलब व्यू करके देखना है कि आपका जो ब्लॉग है वो कैसे नज़र आएगा। तो आपके ब्लॉग कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा, और हर लिहाज से बहुत ज़्यादा अपीलिंग एक इंटरफेस है। लोडिंग के हम हवाले से भी आप उसके SEO भी इजीली कर सकते हैं, और एक ही पेज के अंदर बाकी तमाम कैटेगरीज को इस तरह ये शो करता है कि आप आसानी हर एक कैटेगरी के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, और यही क्रॉलर भी चाहता है गूगल का, और यही गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ भी कहती हैं। ठीक हो गया, अब सबसे पहले इसके कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मैं फिर बताऊं कि ये लोगो वगैरह मैंने पहले बना लिए थे, लेकिन चूंकि अब मसला ये हुआ था कि आवाज़ का इशू था वीडियो में, तो फिर से मुझे वो चीज़ बनानी पड़ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले अननेसेसरी जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको आपने रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो टॉप मेन्यू चल रही वीडियो
टॉप मेन्यू में आप लोग देखें तो जो मेन्यू में जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारे रख दें, बाकी रिमूव कर लें। यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का एक एक्स्ट्रा था, ठीक है, उसको मैंने डिलीट किया और साइट मैप का मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नेविगेशन बार लगा दिया जो कि टॉप बार में है। ठीक है, वो कौन सा है, ये टॉप बार, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी और साइट मैप। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं हेडर में। अब हेडर में क्या होता है कि इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपने लोगो वगैरह लगाने हैं। ठीक है, अब लोगो कैसे लगाने हैं आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपने कैनवा में जाना है, ठीक है, कैनवा में जाने के बाद आपने साइज रखना है 294 वेट और 69 या 67 आपने उसकी हाइट रखनी है। ठीक है, अब इस साइज के ऊपर आपने अपने कैनवा के जो रेजोल्यूशन है वो सेट करना है। सेट करने के बाद आपने अपना लोगो बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया, अब ये जो साइज आपको मैंने बताया है ये बिल्कुल आपकी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग इस टेम्पलेट के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाता है और बहुत क्लियर नजर आता है इस साइज में। आप ऊपर नीचे करेंगे तो हो सकता है कि वो गड़बड़ हो जाए। देखें कितना क्लियर नजर आ रहा है लोगो। इसी तरह मैं ये कैनवा खोल लूँ तो आपको मैं बता देता हूँ कि साइज़ के बाद आपने अपने लोगो को कैसे सेट करना है। ठीक है, उसके बाद लोगो सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेन्यू है ये वाला, इसको हम सेट करेंगे। जो अननेसेसरी जो मेन्यूज हैं, पेजेस हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, हमेशा आपने क्या करना है कि प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपने नेविगेशन बार में क्या क्या रखना है उनको आपने लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, मैं हमेशा रेकमेंड ये करता हूँ कि आपने नेविगेशन बार में जो चीज़ें रखनी है ना, कैटेगरीज हों या फिर पेजेस हों, उनके नाम को हमेशा अपने रिलेटेड कीवर्ड्स के हिसाब से ही रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन उसकी हो जाएगी। अब मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ तो यकीनन मेरे पास वही लोगो यहाँ पर कहीं नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बताइए, देखें ये लोगो मैंने बनाया है और ये फेव आइकन है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लोगो बनाया था, ये टेक्स्ट है, ये किंग है और ये उसका आइकन है और इसी आइकन को मैंने फिर यहाँ पर फेव आइकन बनाया है। साइज़ मैंने आपको बता दिया साइज़ क्या है। ठीक है, अब उस साइज़ के हिसाब से आप लोगों ने अपने लोगो को फाइनल करना है। ठीक है, अब जैसे ही लोगो आप पब्लिश करेंगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपलोड फ्रॉम सिस्टम या कंप्यूटर करना है, फाइल चूज़ कर लें। ठीक है, जो आपने डाउनलोड की, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने लोगो यहाँ डाउनलोड किया था, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लें तो यहाँ पर ये आपका लोगो आ जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं चला जाता हूँ, मुझे लगा था कि वो चीज़ बाकी रहेगी लेकिन नहीं हुई। ओपन किया, यहाँ पर चंद सेकंड्स के अंदर ही आपका लोगो नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सेव करना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, ये आपको अंदाज़ा है। अभी फ़िलहाल मैं मेन मेन्यू में तमाम चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बाद में हम इसको यूज़ करेंगे कि हम इसको एक्चुअली कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारी अननेसेसरी हैं। ये है होम पेज और डाउनलोड शॉर्ट कोड्स डॉक्यूमेंटेशन। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर होम पेज को रखता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं इसको सर्च करूँगा तो मैंने सारे रिमूव कर दिए, सब जो मेन्यूज़ थे, ड्रॉप डाउन्स थे, सारे रिमूव हो गए, अब मेरा होम रह गया। ठीक है, मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि मुझे न्यू पोस्ट पब्लिश करने हैं तो इसके अंदर मैं आपको ये नेविगेशन बार के अंदर मेन जो आपके टॉपिक के हवाले से, चूँकि जैसे मैं स्टॉक मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ इस ब्लॉग में, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके हिसाब से मैं यहाँ टॉपिक्स बनाऊँगा और उन्हीं को मेन्यू में ऐड करूँगा ताकि लोग जैसे जैसे कॉन्टेंट को पढ़ना चाहेंगे उसी कीवर्ड को क्लिक करेंगे और वही मेन्यू भी होगा, वही कैटेगरीज भी, वही लेबल भी होगा। ठीक है, अब ये देखें तो कोई पोस्ट नहीं है तो ये सारी चीज़ें खाली हैं। ठीक है, साइड बार के ऊपर ये भी खाली है और इसी के ऊपर वर्किंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने कहाँ जाना है, बिल्कुल हमने फुटर में जाना है। फुटर में जाने के बाद हमने ये करना है कि फुटर हमारा क्या है, ये वाला। ठीक है, अबाउट में हमने जाना है। अबाउट में जाएंगे तो ये देखें आपके पास, मैंने पिछली वीडियो में इसको ऐड किया था, लोगो भी ऐड किया है। आपने सबसे पहले यहाँ पर जाकर लोगो ऐड करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया है जो कि यहाँ विजिबल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको फाइनल करना है, सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद जो इधर है फॉलो बटन, फॉलो में मैंने कुछ दो लिंक्स रखे हैं बस, रेडिट और यहाँ पर मैं भी रेडिट रखूँगा, पिंटरेस्ट रखूँगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम नहीं रखूँगा। लिंक लिस्ट फुटर मेन्यू के अंदर, ठीक है, फुटर मेन्यू के अंदर कोई लिंक लिस्ट आपने लगाना है तो ये लगा सकते हैं। वो लिंक लिस्ट कौन सा है, ये देखें, ये वाला। ठीक है, ये होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर आपने अगर होम पे आपने क्लिक करना है तो होम के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का जो मेन लिंक है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आप एडिट करें, एडिट करने के बाद साइट का यूआरएल यहां पर इसको
पेस्ट करें, ठीक है। इसी तरह बाकी तमाम पेजेस के लिंक्स को भी आप इजीली एक एक करके लेकर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट की बात आती है। कॉपीराइट ये देखें, कॉपीराइट में यहाँ पर डिज़ाइन बाय ब्लॉगर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। इस ब्लॉगर टेम्पलेट्स को मैं यहाँ पर रिमूव करूँगा। तो यहाँ पर ये हमने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो मेन चीज़ें हैं हम साइड में, वो जो अननेसेसरी ब्लॉक्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हमने अभी कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पोस्टिंग के साथ उसके जो इमेजेस हैं, फीचर इमेजेस कैसे डिजाइन करना है, ये सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी चूंकि वीडियो काफी लंबी होगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ये सीरीज कुछ 4-5 वीडियो के ऊपर चलने वाले हैं। उसके बाद हम अप्लाई की तरफ चलेंगे एडसेंस के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने इस चीज को जो फॉलो करना है, और इस टेम्पलेट के ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, लेकिन अभी चूंकि बेसिक्स जो आपको मैंने दिखानी थी वो दिखा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।